सो हे गाइस, आज ना ही कोई गेम प्ले, ना ही कोई टिप्स एंड ट्रिक्स। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, ठीक है? मैं कहना चाहता हूँ भाई, ये हो क्या रहा है इस गेमिंग कम्युनिटी में, ये हो क्या रहा है। कुछ दिनों पहले पारस अफसल भाई का केस जो हुआ है, ये हम सब जानते हैं, हम सब क्या पूरा यूट्यूब कम्युनिटी जानता है, ठीक है? अभी फ़िलहाल सॉफ्टवेयर हिंदी भाई जो है, हम लोगों की तरह एक नॉर्मल यूट्यूबर है, ठीक है, BGMI का टिप्स एंड ट्रिक्स छोड़ता है, बहुत पॉपुलर यूट्यूबर है, ठीक है। उनके साथ जो हुआ है गाइस, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, ठीक है। उसके उनके साथ क्या हुआ है मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। उससे पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, ठीक है। ये वीडियो क्लिप मैं फुल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फुल वीडियो वॉच कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो ये वीडियो क्लिप देखिए। क्योंकि भाई का तबीयत अभी भी सीरियस कंडीशन में है, अभी भी भाई ICU में है। और मैं आपको सुनाने वाला हूँ SI पटना 24 सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग, जो मैंने बात किया था उनको। मैंने बोला था आके भाई का वो लेने के लिए, बयान लेने के लिए, वो आने से मना कर रहे हैं और वो भी मिले हुए हैं शायद। और यहाँ पे मैं आपको सुनाऊंगा, अभी वो भी सुनाऊँ, मैं आपको SP का भी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको सुना देता हूँ SI 24 सिंह क्या बोलते, क्योंकि आप सब बोलते हो पुलिस वाले से मदद लो, तो मैं आपको पुलिस वाले के पास भी जा चुका, पुलिस वाला भी कोई हेल्प नहीं करे सब। हेलो। हाँ सर, सर वो गवाह लेने के लिए नहीं आए सर, भैया का जो गोली मार दिया था मुंगेर में। हाँ तो गवाह लेने के लिए आइए ना सर, भैया का बोल रहा है सब चीज़ तो नहीं लीजिएगा गवाह। वो अब देखो उसमें केस हो गया है ना, तो केस हो गया सर, उसका पेज वगैरह हमको कहाँ कुछ मिला सर। सर सर वहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हमको, डेढ़ महीना पहले हम गए थे थाना प्रभारी से मिले थे, वो भी मेरा दावती नहीं किया था। सर आप थाना प्रभारी को तुमने सामने ही में फोन किए थे बाबू, तो थाना प्रभारी को किए थे ना, तो थाना प्रभारी क्यों नहीं लिया, तो उनपे भी एक्शन हुआ सर। थाना प्रभारी तुम्हारा सामने ही मैंने बताया कि हाँ इसमें उसका बहनोई गोली मारा है, इसमें तैयार भी चुका। हाँ सर वो तो बोल दिया ना सर, पर डेढ़ महीना पहले हम उनके पास गए थे थाना प्रभारी के सामने, तो मेरा वो रिपोर्ट क्यों नहीं लिखे थे, वो उनके ऊपर कुछ एक्शन हुआ सर। तो मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताता हूँ असल में हुआ क्या था। तो कुछ दिनों पहले सॉफ्टवेयर हिंदी भाई का जो बहन है उसका शादी हुआ था। शादी कैसे हुआ था मैं आपको बताता हूँ। एक बंदा है जो पुलिस में नौकरी करता है, सोनू कुमार बोल के, उसने सॉफ्टवेयर हिंदी भाई के घर में घुसा और उसके बहन को बोला कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। ये सब ठीक था, ठीक है, लेकिन उसने बोला कि ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। गिफ्ट दिया उसको, गिफ्ट में क्या था, एक डब्बा निकाला, डब्बा से उसने सिंदूर हाथ में लिया और सॉफ्टवेयर हिंदी भाई का जो बहन है उसके मांग में भर दिया। तो ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है, ऐसे मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे मुंह में उसको गाली दूँ या क्या बोलूँ, ठीक है, तो छोड़ो इसको। तो शादी हो गया, तो उसका माँ बाप भी चाह कि चलो भाई बंदा अच्छा है, शादी दे देते हैं, पुलिस में नौकरी करता है क्या है। तो शादी होने के बाद कुछ दिन बीत गए और सोनू कुमार का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर नौकरी करता था, वहाँ का जो सब काम का प्रेशर फ्रस्ट्रेशन सब आके घर में आके सॉफ्टवेयर हिंदी भाई के बहन के ऊपर उतारता था, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हिंदी भाई का बहन ने सॉफ्टवेयर हिंदी भाई से कहा कि भाई मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए। तो सॉफ्टवेयर हिंदी भाई ने बोला ठीक है, तुझको डिवोर्स दे दूंगा, चल आ जा हमारे घर में, आ जा हम उसका देखभाल करेंगे। तो ऐसे ही हुआ, तो देखभाल ऐसे जब उसके घर में चला गया सॉफ्टवेयर हिंदी भाई का बहन, तो सोनू कुमार क्या किया, सोनू कुमार सॉफ्टवेयर हिंदी भाई के घर में आया, कुछ नहीं बोला और उसके पिताजी को फायर करने लगे, ठीक है, पिस्तौल था उसके हाथ में, फायर करते रहे। और उसका पिताजी को तो मतलब कहने भी में मुझे दुख हो रहा है, मौके पर ही वहाँ पर मौत हो गया। और ऐसा देखता हुआ कोई भी लड़का अपने बाप को नहीं बचा के रुक नहीं पाएगा, ठीक है। उसका सॉफ्टवेयर हिंदी भाई का जो बड़ा भाई है वो गया उसका पिताजी को बचाने के लिए और वो बचा तो नहीं पाया, लेकिन उसको भी 3 राउंड फायर लग गया। तो अभी फ़िलहाल मैं कहना चाहता हूँ भाई, ये सब हो क्या रहा है, अगर ये पुलिस वाला ऐसे ही करेगा तो हम आम जनता किसके ऊपर निर्भर रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर सॉफ्टवेयर हिंदी भाई सबसे मदद मांग रहा है, ठीक है, उसने कहा पुलिस ऑफिसर से कि मेरा भाई बचेगा या नहीं बचेगा, जल्दी से आके ये बयान ले लो, ठीक है। मतलब इतना प्रेशर, यहाँ पर बहन का हालत ख़राब है, पिताजी का डेथ हो गया, उसका भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, बचेगा या नहीं बचेगा मुझे पता नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसे हालत में ही बंदा मतलब कोशिश नहीं छोड़ रहा है, वीडियो बना के पोस्ट कर रहा है, तो हम सबको थोड़ा मदद तो बनता है भाई। तो ऐसा यूट्यूब कमेंट्री में ये सब हो क्या रहा है किसी को भी नहीं पता, ठीक है। पुलिस वाला ऐसा कर रहा है और पुलिस भी उसका बात नहीं मान रहा। तो भाई देखो, हम लोग, मैं और बाकी सब, कोई बड़ा नेता नहीं है, कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर नहीं है जो इतना मदद कर पाए, तो जितना भी हम लोगों से होगा हम लोग करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ उसका चैनल का, तो उसका यूपीआई मैं दे रहा हूँ, ठीक है। उसका चैनल में जाके, सॉर्ट बहन भाई का चैनल में जाके उसका यूपीआई में आप जितना भी हो सके डोनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। इतना ही कह रहा हूँ, तो थोड़ा हेल्प कीजिए उस भाई को। तो आज के लिए इतना ही, और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, ठीक है।